हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किचन क्विन में। और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी आलू का रायता। तो आलू का रायता बनाने के लिए हमने 5 आलू लिए हैं, बिल्कुल मीडियम साइज के आलू हैं, जिसको हमने पहले ही छील कर बॉयल कर लिया है। और हमने बॉयल करके आलूओं को ठंडा कर लिया है। ध्यान रहे आपको आलू का रायता आलू को उबाल कर ठंडा करके ही बनाना है। और हमने एक बाउल दही लिया है, ताज़ा फ्रेश जमा हुआ दही है, फुल फैट का दही है। आलू का रायता मीठा दही हो तो बहुत ही टेस्टी बनता है। और हमने ये रायता बनाने के लिए एक बाउल धनिया काटा है, जिसको हमने बारीक काट लिया है। और हमने आधा चम्मच लाल मिर्च ली है, और हमने हींग ली है, और ये सफ़ेद नमक है, ये काला नमक है, और ये जीरा है। चलिए रायता बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखिए तवे पर धनिया और जीरे को भूनकर तैयार कर लिया, जिसका हम पाउडर बनाएंगे। रायते में धनिया और जीरा का पाउडर बहुत ही टेस्टी लगता है, तो चलिए इसका हम पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए हमने जीरा और धनिया को जार में डाल दिया है, इसका पाउडर बनाकर तैयार करते हैं। देखिए हमने पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। चलिए दही को भी मक्स लेते हैं, आप चाहें तो इसे जार मिक्सी के जार में भी फेंट सकते हैं। तो चलिए इसे एक मथानी से मक्स लेते हैं। तो देखिए दही को हमने मक कर तैयार कर लिया है, हमने इसे थोड़े बड़े बाउल में ले लिया है। आलू को भी कट कर लेते हैं, आलू को आप अपने पसंद के अनुसार चौकोर कट भी कर सकते हैं। देखिए आलू को हम चिप्स की तरह कट करेंगे। देखिए इस तरीके से चिप्स की तरह आलू कट करेंगे, जिससे इसका दही का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आएगा। आप अपनी पसंद के अनुसार कैसे भी इसे कट कर सकते हैं, इसे चॉपर से भी काट सकते हैं। इस तरीके से आलू कट करके हम इसमें डालेंगे। आप इस तरीके से आलू का रायता बनाकर देखें, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप कोई भी सब्जी या साइड सब्जी के साथ इसको ले सकते हैं, पूड़ी के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग इस तरीके से बनाकर जरूर देखें। देखिए इस तरीके से सभी आलू के चिप्स काट लेते हैं। तो देखिए हमने सभी आलू के चिप्स काट कर तैयार कर लिए हैं, इसको दही में डाल देते हैं। तो चलिए इसमें मसाले भी ऐड कर देते हैं, चम्मच इसमें धनिया और जीरे का जो हमने पाउडर बनाया था उसे डालेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च डाल देनी है, अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम खाते हैं तो कम डालें। नमक को भी ऐड कर देते हैं, सफ़ेद नमक था और ये काला नमक है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। तो चलिए रायते में तड़का लगाने की तैयारी करते हैं। तो देखिए रायते में तड़का लगाने के लिए हमने एक चमचे को गैस पर रख दिया है, गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। आलू के रायते को हम सरसों के तेल से छौंक लगाएंगे। देखिए चमचे में ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं, उसमें उसके बाद हम इसमें जीरा और हींग डालेंगे। तो देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं, उसके बाद हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा को अच्छे से क्रैक होने देते हैं, हींग भी डाल देते हैं। देखिए रायते में तड़का लगा देते हैं, तो हमारा बहुत ही जल्दी फटाफट बनने वाला आलू का टेस्टी रायता बनकर तैयार हो गया। अगर आप लोगों को आलू का रायता पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग इस तरीके से एक बार ट्राई करके जरूर देखें। तो चलिए सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। चलिए रायते में धनिया भी डाल देते हैं, धनिया से रायते में 4 चांद लग जाते हैं, धनिया रायते में बहुत ही टेस्टी लगता है। धनिया को भी डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं। अगर आप लोगों को रायते में धनिया पसंद ना हो तो आप लोग स्किप कर सकते हैं, आपका अगर मन हो तो आप धनिया डाल सकते हैं, धनिया से बहुत ही टेस्टी लगेगा। आलू का रायता खासकर सभी को पसंद होता है। देखिए हमारा रायता बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो गया है। देखिए आलू का रायता बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी रायता बना है। अगर आप लोगों को हमारे आलू के रायता की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप लोगों को आलू के रायते की रेसिपी कैसी लगी। और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।